सीएम अखिलेश आज उन सभी विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे जिनका टिकट कट गया। आपको बता दें कि इस लिस्ट में 48 विधायकों के टिकट काट दिए गए, इसमें ज्यादातर अखिलेश करीबी हैं। बुधवार को सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने 325 सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची। 176 विधायकों को दोबारा मिला टिकट। गठबंधन की अटकलों पर मुलायम सिंह ने विराम लगाया। टिकट बंटवारे में अखिलेश के करीबियों का कटा टिकट। मंत्री अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे और राम गोविंद चौधरी को टिकट नहीं मिला। अखिलेश ने कहा, टिकट कटने पर नेताजी से करेंगे बात। बुधवार को टिकट बंटने के बाद अखिलेश की जवाबी कार्रवाई। निर्माण निगम के सलाहकार संदीप शुक्ला बर्खास्त, आवास विकास परिषद की उपाध्यक्ष सुरभि शुक्ला भी बर्खास्त। सुरभि बोली, मुझे नहीं किया गया बर्खास्त, मैंने और मेरे पति ने खुद दिया इस्तीफा। हम लोग ने इस्तीफा दिया क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों को मिल गई है, तो हम लोग ने जैसे टिकट हम लोग को घोषित किया गया, टिकट मिला तो हम लोग ने इस्तीफा दे दिया गया, हम लोग को बर्खास्त नहीं किया गया। सपा के दंगल पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अखिलेश चुनाव के दंगल से पहले परिवार के दंगल से निपट लें। यूपी की जनता अखिलेश से कामकाज का हिसाब मांग रही है, लेकिन अखिलेश हिसाब देने के बजाय दंगल में लगे हैं। सपा के दंगल पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, बीएसपी और सपा धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्ध पार्टियां हैं, उनके द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले से उनके इरादे कमजोर दिखते हैं। समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्ध पार्टी हैं, उनके द्वारा जल्दबाजी में लिए गए ऐसे फैसलों से उनके इरादे कमजोर दिखते हैं। सपा के घमासान पर बोले बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक, सरकार में बैठे लोग जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालते हैं, नाकाबिल समझते हैं, पार्टी उनको तवज्जो देती है, पार्टी जिनको तवज्जो देती है उसको सरकार में बैठे लोग नाकाबिल बांधते हैं, यानी पूरी तौर पर कन्फ्यूजन है सैफई परिवार में। और जो यह कन्फ्यूजन है तो जनता भी समझ रही है। मुंबई में कुर्ला अंबरनाथ लोकल के 5 कोच पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीएसटी पुणे दक्कन क्वीन और सीएसटी पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस कुर्ला अंबरनाथ डिरेलमेंट के बाद रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बांदीपुरा के हाजिन इलाके में चल रही है मुठभेड़। सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने, घुसपैठ रोधी व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ एलओसी पर हाई अलर्ट बरतने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल रात ईडी ने रोहित टंडन को गिरफ्तार किया, आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटबंदी पर नया ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान किया। सरकार ने साफ किया कि किसी के पास 10,000 से ज्यादा 500 या 1,000 के नोट पाए गए तो फिर जुर्माना लगेगा।